Hello everyone, in this video I am doing question number 8 of chapter 11 understanding quadrilaterals worksheet two, class 8th DAV. So, what is the question? ABCD is a parallelogram whose diagonals intersect each other at right angles. If the length of the diagonals is 6 cm and 8 cm, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ द पैरलोग्राम तो ये देखो दिस इज अ पैरलोग्राम एंड द नेम इज ए बी सी डी तो पैरलोग्राम जब भी मैंने बोला तो आपके माइंड में एक बात आ जानी चाहिए कि पैरलोग्राम में ए बी और डी सी इक्वल भी होंगे ए बी और DC पैरल भी होंगे ए डी और बी सी इक्वल भी होंगे ए डी और बी सी पैरल भी होंगे राइट right? तो डायगनल जो है वो दे इंटरसेक्ट इच अदर एट राइट एंगल्स तो ये देखो दिस इज डायगनल एंड दिस इज अदर डायगनल राइट तो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये जो चार एंगल्स हैं, ये पॉइंट ओ है मान लो दिस इज एंगल वन दिस इज एंगल टू दिस इज एंगल थ्री दिस इज एंगल फोर ये चारों ही एंगल जो है वो क्या होंगे नाइनटी डिग्री क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स लेंथ ऑफ द डायगोनल्स इज सिक्स सेंटीमीटर एंड एट सेंटीमीटर मान लो ए सी को सिक्स सेंटीमीटर एज्यूम कर लेते हैं और इसको बी डी को क्या एज्यूम कर लेते हैं एट सेंटीमीटर राइट तो क्या करना है हैव टू फाइंड दाइड ऑफ द पैरलोग्राम आपको पैरलोग्राम की सभी साइड की क्या करनी है लेंथ फाइंड आउट करनी है राइट right? तो स्टार्ट करते हैं इसमें इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता दूं जो यहां लगेगी डायगनल ऑफ पैरलोग्राम अदर बाइसेक्ट का मतलब है दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना और अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हो तो इस क्वेश्चन में इसने क्या लिखा है इंटरसेक्ट ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है इंटरसेक्ट लेकिन आपने अपना माइंड यूज करना है आपको प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए कि डायगनल जो पैरलोग्राम के हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं राइट तो कैसे लिखेंगे कि इन पैरलोग्राम मैंने लेट नहीं लिखा क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया है कि पैरलोग्राम ए बी सी डी है इन पैरलोग्राम ए बी सी डी ए सी यहां लिखना है लेट आपने ए सी डायगनल को क्या एज्यूम किया सिक्स सेंटीमीटर एंड बी डी डाइगनल क्या एज्यूम किया आपने एट सेंटीमीटर क्लियर फिर आपको क्या दिया है कि एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री और एंगल फोर ये कहां बाइसेक्ट कर रही है नाइंटी डिग्री पर राइट right? अब आपने क्या करना है ध्यान से देखना है वी नो दैट ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूं वी नो दैट डाइगनल्स वी नो दैट डाइगनल्स ऑफ अ पैरलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर बाइसेक्ट अदर अब बाइसेक्ट का मतलब क्या है दो बराबर पार्ट में बांटना मतलब ओ ए और ओ सी दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे तो आप क्या करो यहां लिखो ओ इज इक्वल टू ओ सी और कितने होंगे ये दोनों हाफ ऑफ ए सी होंगे पूरे डायगनल का क्या होंगे हाफ तो ए सी आपने कितना एज्यूम किया था सिक्स सेंटीमीटर तो सिक्स का हाफ क्या हो जाएगा थ्री सेंटीमीटर इसका मतलब ओ ए भी थ्री है और ओ सी भी कितना है थ्री सेंटीमीटर सेम वे में आप इसको भी निकाल लो ओ बी विल बी इक्वल टू ओ डी एंड बोथ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी तो हाफ ऑफ बी डी कितना है एट सेंटीमीटर तो एट सेंटीमीटर का हाफ क्या होगा फोर सेंटीमीटर इसका मतलब ओ बी और ओडी जो है वो दोनों ही क्या बन गए फोर और फोर अब जो थ्योरम मैं लगाने वाला हूं वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं साइड में ये देखो ये कौन सी ट्राइंगल है ये वाली दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल कैसी राइट एंगल ट्राइंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसी ट्राइंगल है जिसमें वन एंगल जो है वो नाइनटी डिग्री का होता है और राइट एंगल ट्राइंगल में आपने सेवंथ में भी पढ़ा था कौन सी थ्योरम लगती है पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज है तो का इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑफ अदर टू साइड्स यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर राइट अब ये थ्योरम मैं अप्लाई लगाऊं करने अब क्वेश्चन है ये थ्योरम अप्लाई होगी कहां पर चाहे आप राइट एंगल ट्राइंगल ए बी में अप्लाई कर दो चाहे बी ओ सी में कर दो चाहे सी ओ डी में कर दो चाहे डी ओ ए में कर दो कहीं भी कर दो अप्लाई तो आप क्या करो फिलहाल राइट एंगल ट्राइंगल एओबी बी में अप्लाई कर दो अब मैं इसको एओबी को राइट एंगल ट्राइंगल क्यों बोल रहा हूं बताओ जरा क्योंकि इसमें ये देखो ये एक एंगल 90 डिग्री का है कोई भी ऐसी ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है उसे बोलेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल तो मैं लिख रहा हूं अप्लाइंग पाइथागोरस अप्लाइंग पाइथागोरस थ्यूरम इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल विच ए ओ बी तो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड की होती है हाइपोटेन्यूज तो ए बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू बाकी दो साइडों के स्क्र के साम के बराबर ओ ए का स्क्र प्लस ओ बी का स्क्र ओ ए स्क्र प्लस ओ बी स्क्र राइट अब ए बी आपको दे रखा है क्या नो no. तो आप इसको ए बी स्क्र ही लिखेंगे अब बताओ ओ ए आपने कहीं फाइंड आउट किया यस yes, ये देखो ये फाइंड किया थ्री तो आप लिख दोगे थ्री स्क्र और ओ बी कितना है फोर फोर स्क्वेयर तो थ्री थ्री जार नाइन फोर फोर जार सिक्सटीन सिक्सटीन और नाइन कितने बन गए ट्वेंटी फाइव तो यहां से आप बोलेंगे कि ए बी का स्क्र जो है वो फाइव का स्क्यर बनेगा क्योंकि ट्वेंटी फाइव किसका स्क्यर है फाइव का पावर तो सेम है ए बी कितना आ गया फाइव सेंटीमीटर हाउ मच इज ए बी फाइव सेंटीमीटर तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द साइड ऑफ पैरलोग्राम अब आपने ए बी फाइंड आउट कर लिया तो जितना ए बी होगा उतना ही डी सी होगा राइट right? तो अगर ए बी फाइव सेंटीमीटर है तो डीसी भी कितना होगा फाइव सेंटीमीटर अब आपको बीसी भी फाइंड आउट करना है राइट right? तो पहले तो आप ये लिख दो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल अब आप चाहे बीओ ले लो चाहे एओडी ले लो आपको ब्रेड मिल जाएगी मैं बी में लगा रहा हूं राइट right? तो बीओ में ये टू एंगल नाइनटी है ना तो इसके सामने वाली साइड बी सी बनेगी तो बी का स्क्यर बनेगा ओ का स्क्यर प्लस ओ का स्केयर तो बीसी का स्क्केयर बनेगा ओबी कितना आपके पास देखो जरा ऊपर ये फोर तो फोर स्केर प्लस ओ सी कितना है थ्री तो थ्री का स्क्वेयर सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव तो यहां से आप बोल सकते हैं कि बीसी का स्क्केयर इज इक्वल टू फाइव का स्क्वेयर तो बीसी कितना हो जाएगा फाइव सेंटीमीटर अब आप लिख दो वी नो दैट वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरलोग्राम आर इक्वल देयर फोर ए बी की ऑपोजिट क्या है सी डी देयर फोर ए बी इज इक्वल टू सी डी ए बी आपने फाइंड आउट कर लिया है ना फाइव सेंटीमीटर राइट इसी तरह से बी सी विल बी इक्वल टू ए डी बी सी डी एट इज ऑल्सो फाइव सेंटीमीटर तो आपसे पूछा किया गया था कि ए बी सी डी पैरलोग्राम में जिसके डायगनल आपस में नाइन्टी डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं और लेंथ ऑफ डायगनल सिक्स और एट है तो आप लेंथ ऑफ द साइड ऑफ पैरलोग्राम फाइंड आउट करो तो ये है फाइव सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर So, this was the solution of question number eight. Hope you have understood the solution. Thank you.